हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग इम्प्लीकेशन कर रहे थे। पार्ट सेकंड में हमने इम्प्लीकेशन, देर आर टू इम्प्लीकेशंस, राइट? सो दो इम्प्लीकेशन में से एक इम्प्लीकेशन हम लोग कवर कर चुके थे, और सेकंड जो आता है बाई कंडीशनल कनेक्टिव, जिसे बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, तो उस इम्प्लीकेशन को हम लेंगे पार्ट थर्ड में, और उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट थ्री गाइस। देखिए, बाई कंडीशनल कनेक्टिव है। बाई कंडीशनल कनेक्टिव मीन्स डबल साइडेड, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये डबल साइडेड कनेक्टिव बनता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, सो पी टू क्यू है, पी इम्प्लाइज टू क्यू है, और ऐसा भी हो जाए कि एंड सेकेंड पार्ट भी हो जाए कि क्यू इम्प्लाइज टू पी हो जाए, सो दैट इज बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मीन्स ए पी से क्यू में, क्यू से पी में। अगर इन दोनों चीजों को अगर हम मिक्स करके बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज द बाई कंडीशनल कनेक्टिव, राइट? और उसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम लिखेंगे पी, एंड दिस इज डबल साइड, दिस इज डबल इम्प्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है ना? सो पी इम्प्लाइज टू एंड इम्प्लाइड बाय, इस तरह से होता है ये। और इसको आप बोलेंगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, राइट? तो इस तरह से ये चीज जाएगी। और इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करके अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख दोगे, ठीक है ना गाइस? सो देखिए, ऐसा है, अगर आप इस चीज को अगर लिखना चाहते हैं सेपरेट करके दो पार्ट में, तो आप लिखोगे पी इम्प्लाइज टू क्यू, पी इम्प्लाइज टू क्यू, और एंड। आपको पता है कि हमें मैथमेटिकल रीजनिंग में हम जो एंड की जगह ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है? सो एंड दैट इज द क्यू इम्प्लाइज टू पी, और इसको आप लिख सकते हैं इक्वलेंट टू, दिस इज इक्वलेंट टू पी एंड इम्प्लाई एंड डबल इम्प्लीकेशन साइन एंड क्यू। तो देखिए, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है ना? सो कम टू द डेफिनेशन। इफ पी एंड क्यू आर एनी टू स्टेटमेंट्स, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पी इफ एंड ओनली पी एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको मैंने आपको बताया डबल इम्प्लीकेशन है। दो इम्प्लीकेशन साइन को अगर बीच में एंड लगा के हम बोल देते हैं, सो दैट इज नोन द डबल इम्प्लीकेशन। डबल साइडेड हो जाता है, बोथ साइडेड। सो पी टू क्यू है, पी इम्प्लाइज टू क्यू होगा, एंड क्यू इम्प्लाइज टू पी भी हो जाएगा, ठीक है ना? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस बाई कंडीशनल कनेक्टिव। एंड इसका जो सिंबल है वो देख ही रहे हो, जैसा सिंबल से भी मालूम पड़ रहा है कि अगर ये डबल साइडेड एरो लगा रखा है इसने, इसका मतलब ये पी से क्यू में भी जा रहा है, क्यू से पी में भी जा रहा है, ठीक है ना? सो स्टेटमेंट पी एंड इफ एंड ओनली इफ क्यू रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हैं कि पी इफ इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो सीधी बात है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू हो जाएगा, एंड ऑल्सो क्यू इफ एंड ओनली इफ पी, तो पी से क्यू में भी, क्यू से पी में भी हो जाएगा। एंड पी बिकम्स द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द क्यू, एंड क्यू बिकम्स द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द पी। कहने का मतलब, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू लिखना है, और दोनों फॉल्स होंगे तो भी आपको ट्रू लिखना है, ठीक है ना? अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर पी और क्यू, तो हम अगर मान लीजिए दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये पहले ट्रुथ टेबल इसकी तैयार कर लेंगे, दोनों ट्रू लिख लेंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना? ये आपने लिखा। और अगर इसका बाई कंडीशनल कनेक्टिव अगर मुझे यूज करना है, तो डायरेक्टली अगर वेथ बोथ आर ट्रू तो आपको ट्रू लिखना है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फिर दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, उसी केस में हम उसको ट्रू लिखेंगे, ठीक है? सो इफ इट इज ट्रू सेकेंड वन फॉल्स, देन इट बिकम्स फॉल्स। या इसी तरह से अगर पहला स्टेटमेंट पी अगर फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, तो भी फॉल्स आ जाएगा। और फिर वापस देखिए, दोनों फॉल्स होंगे, पहला फॉल्स हो जाए, पी फॉल्स हो जाए और क्यू भी फॉल्स हो जाए, कि मतलब ये कि इफ पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ऑल्सो फॉल्स, तो हम बोल सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो हम बोल सकते हैं कि ये बात भी सही हो गई कि भाई पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया एंड सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
तो बाई कंडीशनल के लिए जरूरी है या तो दोनों ही सही हों या फिर दोनों गलत हों, ठीक है ना। तो उस केस में ही ट्रू लिख पाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्मिंग द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो आप ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप पी स्टेटमेंट बोल सकते हो, जो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 है, लेट्स से दिस इज द पी स्टेटमेंट, इसको आप पी अगर बोल दोगे, लेट्स से दिस इज द पी, एंड इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्मिंग द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इस सेकेंड स्टेटमेंट को मैं क्यों बोल दूंगा, तो अब आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जबकि उसके डिजिट्स का सम भी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो दोनों कंडीशन है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज राइट। सो इफ पी इज राइट एंड क्यू इज ऑल्सो राइट देन इट बिकम्स द टोटल स्टेटमेंट। ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट जब कन्वर्ट होता है तो वो तभी आप उसको राइट बोल पाओगे। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो अल्टीमेटली ये जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा ये फॉल्स बनेगा, ठीक है ना। और अगर दोनों फॉल्स है, भाई बात ये है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्मिंग द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर दोनों में निगेशन लगा दोगे तो वापस वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पहला भी सही नहीं हुआ और दूसरा भी सही नहीं हुआ तो अल्टीमेटली जो ये कंबाइंड स्टेटमेंट बन रहा है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ये फिर ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको बात समझ आई होगी। सेकेंड और भी लेते हैं, वन इज लेस देन 7, तो होती है, सही बात है, वन इज लेस देन 7 एंड इफ एंड ओनली इफ द 2 इज लेस देन 8। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इस तरह से बना रहा है 2 इज लेस देन 8, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उसको हम वही सेम चीज आ जाएगी कि दोनों कंडीशन एक साथ सही होनी चाहिए। दोनों ट्रू है तो आपको ट्रू करेंगे, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो आपको फॉल्स लिखना, या फिर दोनों फॉल्स हो तो कंबाइंड स्टेटमेंट उसमें ट्रू होगा, ठीक है ना। अ ट्राइंगल इज, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये बात और क्लियर हो जाएगी आपको। ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। तो आपको मालूम है एक ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होता है, जबकि वो इक्वी एंगुलर, ऑल द 3 साइड्स शुड बी इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल शुड बी इक्वल, तो उस केस में ही हम बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल होगा, ठीक है। तो आप इसमें इस वाले स्टेटमेंट को पी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एंड इफ एंड ओनली वी ट्राइंगल इज ए इक्वी एंगुलर, ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, तो इसको आप क्यू स्टेटमेंट बोलोगे। तो अब आपको बात समझ आ रही है कि इस केस में इफ एंड ओनली इफ में दोनों स्टेटमेंट का सही होना जरूरी है, और दोनों गलत हों तो भी फाइनली कंबाइंड स्टेटमेंट जो है इसमें राइट हो जाता है। अब जैसे इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आ जाएगी, फाइंड अ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द एंड पी एंड दिस इज द बाई कंडीशनल कनेक्टिव एंड टू द निगेशन ऑफ क्यू, और वापस से ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बना रखा and q implies to q and this is implies that and implied by। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इस सिंबल को ऐसे बोलेंगे, और वर्ड्स में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे p if and only if negation of q, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। अब देखिए ट्रुथ टेबल आपको बनानी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चालू कर दीजिए, एक तो p हमें चाहिएगा, एक q चाहिएगा और एक negation of q, और उसके बाद में सारी चीजें इसमें क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक मैं बनाऊंगा P आपका, P और दूसरा Q और एक negation of Q। तो P अगर हमने true ले लिया, इसको भी true ले लेंगे दोनों को, and true false and false true और दोनों को false ले लेते हैं, दोनों को false ले लिया, बस यही true table बनने वाली है इसमें, ठीक है। और negation of Q हो जाएगा false and this is true and this is false and this will be the True, ठीक है, ये आपने बना दिया। अब सेकंड चीज हमें करनी है कि Q implies to P। तो एक काम ये मैं करता हूं कि अभी पहले P और जो P if and only if, तो इसके साथ में कनेक्ट करता हूं negation of Q को, तो ये बना देते हैं हम P if and only if negation of Q। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे,
इसके लिए अभी हमने बात ही समझी है कि दोनों ट्रू होंगे गाइस तो ही आप ट्रू लिखोगे, दोनों फॉल्स होंगे तो भी आप ट्रू लिखोगे, है ना। तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए, ट्रू फॉल्स है तो अल्टीमेटली फॉल्स जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू जाएगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे था, अगर फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स जाएगा, ये बना दिया मैंने। इसके बाद में हम ले लेंगे ये वाला साइन, सो क्यू इम्प्लाइज टू पी, सो क्यू इम्प्लाइज टू पी और क्यू से पी में इम्प्लाइज दैट साइन लग रहा है, तो आपको पता है कि इसमें तो जो लास्ट वाला होता है वही चलता है, ठीक है ना। सो इसको आप लिखेंगे ट्रू ट्रू है तो अल्टीमेटली ट्रू आ जाएगा, एंड फॉल्स टू ट्रू तो लास्ट में जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी, एंड ट्रू टू फॉल्स तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों अगर फॉल्स हो जाते हैं इस केस में, सो फॉल्स फॉल्स अगर ये पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, सो लेट्स चेक कि हम उसमें उस केस में हम क्या लिखते थे, ठीक है ना। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है गाइस, ठीक है ना, ये बात थोड़ी सी याद रखने की है। अगर ये फॉल्स है एंड सेकेंड फॉल्स है, अगर आप इसमें लगा रहे हैं P implies to Q या Q implies to P लगा रहा हूँ, Q implies to P, अगर ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो जो कंबाइंड स्टेटमेंट ये वाला ये फाइनली ट्रू में जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। अब मैं फाइनल टेबल बनाने वाला हूँ उसकी, कि दोनों को कंबाइंड करके, मान लीजिए आपने ये लिखा फर्स्ट वाला सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, और इसके बीच में फिर वापस इफ एंड ओनली इफ का साइन है, ठीक है। सो इफ एंड ओनली इफ ये लगेगा और सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे, चलिए ये वाली जगह पे हम इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट वाला पार्ट ये रहा, सेकेंड आपका ये रहा, और इसमें आपको मालूम है कि जो बाई कंडीशनल कनेक्टिव जब बनाते हैं, अगर फॉल्स ट्रू है तो अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू है उसी केस में ट्रू बनेगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू में फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी ट्रुथ टेबल जो है तैयार होगी। अब सारी कंडीशन जो है आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो इम्प्लाइज दैट साइन होता है उसमें ये वाली जो बात है, ठीक है ना, तो आप याद रखो कि जो इंटरसेक्शन है और यूनियन है, ठीक है ना, जो इंटरसेक्शन साइन वो चाहेगा इससे, और इसमें हम एंड यूज करते हैं, और आपका ये जो यूनियन साइन है सेट वाइज, तो इसको हम जो है यूनियन साइन को लिखते हैं, इसमें और आता है, तो आप स्टेटमेंट की जो कंडीशन है उसी के नोट्स बना लेने, जैसे मैंने बोला था आपको कि इनके नोट्स आपके बन जाने चाहिए तो आपको पता लगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स द गाइस टाउटोलॉजी एंड फॉलेसी। टाउटोलॉजी क्या होती है, फॉलेसी क्या होती है, फॉलेसी आल्सो कॉल्ड द कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्ट्रडिक्शन। सो कोई भी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पहले इस बात को बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बात समझ लें, फिर हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। कोई भी जब आपको स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट में जो आपने ट्रुथ टेबल बनाई है और उसका जो लास्ट कॉलम है, अगर उसमें सबकी ट्रुथ वैल्यू टी आ रही है, देन इट इज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड टाउटोलॉजी, राइट। एंड अदरवाइज अगर बीच में कहीं पूरे में फॉल्स आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड द फॉलेसी फॉलेसी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो कंबाइंड कंपोनेंट स्टेटमेंट हो सकता है, और जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को आपने क्रिएट किया, और ट्रुथ टेबल में जो लास्ट कॉलम क्रिएट होता है, उस लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज ट्रू आ जानी चाहिए, तो बोलेंगे दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज अ टाउटोलॉजी, इट इज सेट टू बी द टाउटोलॉजी, एंड अदरवाइज अगर सारे फॉल्स आ रहे हैं तो हमें उसको बोलेंगे फॉलेसी या उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखिए डेफिनेशन देखिए आप, सर टॉटोलॉजी क्या है, स्टेटमेंट इज सेट टू बी ए टॉटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, अगर वो हर केसेस में जितने भी केसेस बनते हैं तो उस केस में वो हमेशा ट्रू आता हो, तो फाइनल कॉलम में जिसमें जहाँ पे कि हम टोटल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट को उसको वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसमें सारे टी आ जाने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट एज अ टाउटोलॉजी, राइट, एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल टी। तो जो टाउटोलॉजी है, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी जो
टॉटोलॉजी को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, मतलब जब पूरे ही स्टेटमेंट में, अगर यहाँ पे तीन स्टेटमेंट होते तो ये टेबल बहुत बड़ी होती, लेकिन उस केस में भी आपको ये देखना पड़ता कि जो लास्ट कॉलम है, जो फाइनली जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, उस पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट में लास्ट वाले कॉलम में सब जगह कैपिटल टी आना चाहिए। अगर सब जगह कैपिटल टी आ गया गाइस, तो फिर आप क्या बोल दोगे, स्मॉल टी, उसकी जो पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी टाउटोलॉजी क्या हो जाएगी, टी, स्मॉल टी हो जाएगी पूरे ही स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत एक इजी सा एग्जाम्पल है कि अगर पी ले लिया, नेगेशन ऑफ पी ले लिया, तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, बस इतना सही हो सकता है। और इसमें इसको यूनियन साइन से इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, यूनियन मीन्स पता है ना क्या बोलते हैं उसको, डिसजंक्शन साइन बोलेंगे इसे, डिसजंक्शन साइन है, और दूसरा वाला हो जाता है कंजंक्शन साइन, तो ये वाला तो होता है कंजंक्शन साइन। ये याद, वैसे इनको इस तरह से याद रखना मुश्किल है, तो हमारा जो याद है कि इंटरसेक्शन वाला साइन है, और ये इसके लिए जो हम एंड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, सो बेस्ट ये है कि आप इसी तरह से याद रख लो, सेट नोटेशन में याद रखना बहुत आसान होता है। ठीक है, सो अगर हमने इसकी टेबल बनाई तो यूनियन में क्या होता है कि आपने ट्रू और फॉल्स, और इसमें लग रहा है कंजंक्शन साइन, सो दैट मीन्स, सॉरी डिसजंक्शन, ये तो हो गया डिसजंक्शन, हाँ, और इसको और यूनियन और ऐसा लिखेंगे, और ये साइन जो होता है डिसजंक्शन साइन हो जाएगा गाइस। ठीक है, सो ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू में भी ट्रू आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम शोज टी इन ऑल द रोज, ऑल द रोज, तो इसका मतलब ही होता है कि जो इसकी टॉटोलॉजी है वो टी हो जाएगी। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट एज ए टॉटोलॉजी टी, स्मॉल टी, ठीक है ना, तो वो एक सिंगल वर्ड से उसको पूरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपके हर केस में ये ट्रू ही आया। ठीक है, इसके बाद में आता है फॉलेसी। अब देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, फॉलेसी मतलब बता ही चुका हूं मैं कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते हैं, और ये वही होगा कंपाउंड स्टेटमेंट में लास्ट वाले कॉलम में हर जगह एफ एफ आएगा। ये हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात को समझ रहे हैं, ये पी क्यू आर कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, टेबल बहुत बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन उस केस में भी वही चीज चेक करनी होती है कि जो लास्ट कॉलम होता है या जो लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट जिसकी आप ट्रुथ टेबल बना रहे हो, अगर वो फाइनली सब जगह फॉल्स आएगी, तो उस केस में उस कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉलेसी वो दैट विल बी नोन एज, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज द फॉलेसी, और उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, एफ या सी से लिखते हैं, नॉर्मली सी से लिखते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विच इज फॉल्स फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उस सारे कंपोनेंट में सब जगह फॉल्स ही बने फाइनली, एंड इट इज डिनोटेड बाय द एफ और सी, और इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल खाली इसलिए छोटा सा लिया है जिसे बात आपको समझ आ जाए, ठीक है ना, तो पी लिया, निगेशन ऑफ पी लिया, इसको ट्रू लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाएगा, और इसको एंड वाले साइन से कनेक्ट किया हमने, है ना। अब एंड में देखिए ट्रू, अगर एंड में आपको पता है कि दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, ठीक है, या दोनों फॉल्स हो तभी ट्रू होगा, तो अभी यहाँ पे अगर एक भी फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली जो फाइनल इसमें जो साइन बनेगा, सो पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू में फॉल्स हो गया, दोनों केस में हो गया, सो इन द लास्ट कॉल, इन द लास्ट यू कैन से इन द लास्ट कॉलम, ऑल ऑल रिजल्ट्स आर एफ, सो ये अगर सभी एफ शो कर रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में, इसका मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये इसको आप कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी का, तो इसके बारे में हमें बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है इट हैज अ फॉलेसी, इसमें फॉलेसी है, और इसको सी से डिनोट करते हैं या एफ से भी डिनोट कर देते हैं, एफ से रेयरली होता है, बहुत कम रहता है, लेकिन सिंबल तो है, ध्यान रखेंगे, इसको सी से लिख सकते हैं, ठीक है ना गाइज, तो दिस इज देयर।
और उसके बाद में आता है लॉजिकल इक्विवेलेंट्स स्टेटमेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। अगर मान लीजिए आप दो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, उन पे वर्कआउट कर रहे हैं, और वो जब आप उसको वर्कआउट करते हैं और दोनों की ट्रुथ टेबल एक जैसी आती है, एक जैसी आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं दीज टू स्टेटमेंट्स आर द इक्विवेलेंट साइन। और सेम चीज है जैसे हम सेट में लिखते थे, सो ए सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, अगर इस तरह से बात लिखते थे, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, इक्विवेलेंस का साइन मैथ्स में उसी तरह उसी बात के लिए यूज होता है, इन ऑल रेस्पेक्ट बोथ द थिंग्स शुड बी सेम। ठीक है, सो देन वी से दैट इट हैज द इक्विवेलेंस, राइट? सो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, राइट? इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर सेम, देन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट एंड रिटन एज द पी इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। छोटी सी बात है ये, जो तीन लाइनें बनी रहती हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये इक्विवेलेंस का साइन है, और उस केस में जो पी इक्विवेलेंट टू क्यू है, तो दोनों स्टेटमेंट, ये कंबाइंड कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है बहुत बड़ा, ठीक है, और अलग तरह का, और दूसरा भी ये क्यू भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है। तो अगर इस तरह से लिखेंगे पी इक्विवेलेंट टू क्यू, इट मीन्स बोथ हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम, इसमें इस केस में दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है गाइस, इसके आगे नेक्स्ट लेंगे। देखिए इसके बाद आ जाता है गाइस एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, सो एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। और ये बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें खाली मैं स्पीडली आपको ही बता दूंगा, कहीं कहीं जो पॉइंट रहता है इंपॉर्टेंट वो स्टेट कर दूंगा, अदरवाइज आपको सारी चीजें पता है। जो सेट नोटेशन में हम सारी चीजें वर्कआउट करते थे, सेम वही चीजें चलने वाली, ठीक है ना? सो इफ पी क्यू आर आर द थ्री स्टेटमेंट एंड टी इज द टाउटोलॉजी एंड सी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स फॉलेसी है, ठीक है, देन कॉम्यूटेटिव लॉ। बिल्कुल 100% गाइस, बिल्कुल सेट में जैसा काम करते थे वही चीज होना है। आप लिखते थे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए होएगा ही, है ना? तो यहाँ जो ये वाला साइन है, इसको आपको पता है कि इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ये जो साइन है इसको आप देखिए, इसको मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ये पर्टिकुलर साइन जो है डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है, सो डिसजंक्शन, और यहाँ पे यूनियन का साइन है। ठीक है, सो बोथ वर्क सेम वेज, सो पी पी एंड पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी इज सेम एज अ पी इंटरसेक्शन क्यू एंड क्यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, सो इंटरसेक्शन मीन्स कंजंक्शन बोल देंगे, ध्यान रखेंगे, और दोनों सेम एक ही वे में काम करते हैं। ठीक है, सो ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो, समझ सकते हो कि इस तरह किस तरह से होगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको सारी बात को बिल्कुल सेट से हम समझ जाएंगे कि इस तरह से सेट में होता है। सो देयर इज द कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव मीन्स टू चेंज द ऑर्डर, राइट? ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो भी हमें सेम हो रहा है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या होता था सेट में गाइस? सेट में जो एसोसिएटिव लॉ हम बोलते थे, एसोसिएशन चेंज करना होता था, एसोसिएशन चेंज करना होता था। अब ये जो यूनियन के साइन में है, तो पी यूनियन और इसने ब्रैकेट में डाल दिया क्यू यूनियन आर, ठीक है, तो यहाँ एसोसिएशन चेंज कर देंगे हम, पी और क्यू को साथ में पहले कंबाइन करेंगे और उसके बाद में उसका यूनियन करेंगे आर के साथ। मैं यूनियन ही बोलूंगा क्योंकि ये इजी रहता है, वो कंजंक्शन डिसजंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाता है। सो लेट आई विल से दिस साइन एज अ यूनियन साइन एंड दिस विल बी द इंटरसेक्शन साइन। ठीक है, तो ये वाला साइन इंटरसेक्शन वाला बोलूंगा। ठीक है, सो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, और यहाँ पे क्या करना, एसोसिएशन चेंज करनी है, तो ये दोनों पहले साथ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद में उसमें पी का इंटरसेक्शन उसके साथ है, तो साइन इसमें चेंज कर दिया एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये पूरी ट्रुथ टेबल जो है इस बात को बताती है कि इसमें कोई चेंज नहीं आता गाइस। ठीक है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करोगे उसी तरह से और राइट हैंड पार्ट पूरा सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो ये वैल्यू वैल्यू है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, और ये वाला दोनों सेम आएगा। देखिए दोनों टी आ गए, दोनों एफ आ गए, एफ आ गया एफ, सो ये जो लास्ट वाली टेबल है बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट इसके इक्वल है। ठीक है, सो कम टू द थर्ड पार्ट, मीन्स दिस इज वी आर गोइंग टू द
एलजेब्रा स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट में तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंड वाला साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पी स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के साथ में, ठीक है। तो आप लिखोगे पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू ब्रैकेट में डाल दोगे, और जो ये वाला साइन है वो यूनियन वाला आ जाएगा यहाँ बीच में, और पी इंटरसेक्शन आर आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन आर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी चीज है, पूरी टेबल इस बात को प्रूफ देती है कि ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सारा सब कुछ हम सेट में कर देते और यहाँ पे सारी बातें रीजनिंग में है, दो स्टेटमेंट के बारे में टेबल बना के भी उसका कंफर्मेशन हो ही रहा है, ठीक है ना। और साइन है और दोनों मिक्स है, यहाँ पे यूनियन है इंटरसेक्शन है, तो हम क्या करेंगे इस साइन को लेते हुए लिखेंगे पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, और ये जो एंड साइन है ये आ जाएगा मिडिल में, एंड पी एंड दैट इज द पी इंटरसेक्शन आर। सो पी, एक मिनट, पी इंटरसेक्शन क्यू बोला और ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, एंड पी, यस पी यूनियन आर आएगा, पी यूनियन आर आ जाएगा। साइन तो यही वाला लेते हुए चलना है, ये साइन बीच में जाता है, ठीक है ना, और यहाँ टोटल इंटरसेक्शन है तो कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा सीधा आप लिखोगे P इंटरसेक्शन Q एंड इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो ये सारे जो चारों लॉज हैं इनको आप समझ सकते हैं किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं। यहाँ पे सब जगह यूनियन है, ठीक है, तो इसको खोलना है यूनियन साइन के साथ में, पी यूनियन क्यू हो जाएगा, पी यूनियन क्यू, और ये वाला जो साइन है दैट गोज इन टू द मिडल एंड दैट इज द पी यूनियन आर, पी यूनियन आर, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जो है वन बाय वन सब लिखे हुए हैं, तो चारों रिजल्ट के प्रूफ हैं इसके अंदर, चारों ही रिजल्ट के प्रूफ हो जाएंगे। तो इसमें जो प्रूफ किए हैं 1, 2, ठीक है, ये दो ही प्रूफ किए हैं, दूसरे दो भी हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना गाइस। चले इसके बाद में आता आपका आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए हम आइडेंटिटी लॉ सेट में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ जो मैथमेटिकल रीजनिंग में जो आइडेंटिटी लॉ है वो इसकी ट्रुथ वैल्यू टी के साथ में है, ठीक है ना। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे, कोई स्टेटमेंट पी है उसको ट्रू फॉल्स कर देंगे, उसका जो टाउटोलॉजी है वो तो टी ही ट्रुथ वैल्यू उसकी ट्रू होगी, और उसकी जो फॉलेसी है एफ होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यूनियन करूंगा पी को टी के साथ में, पी को टी के साथ यूनियन करूंगा तो टी यूनियन टी, सो अल्टीमेटली यहाँ पे टी आएगा, ठीक है ना। तो ये पी यूनियन, पी यूनियन और इसकी जो टॉटोलॉजी है उसके साथ में उसको यूनियन कर रहे हैं, तो ये देगा टी, और देखिए फॉल्स है यहाँ पे, और फॉल्स ट्रू में भी यहाँ पे ट्रू आ जाता है, तो अल्टीमेटली ये टॉटोलॉजी बन जाती, बिकॉज बोथ, ये जो फाइनली जो टेबल बन रही है उसमें यहाँ दोनों जगह पे ट्रू आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए कि अगर स्टेटमेंट पी है इंटरसेक्शन अगर इसके साथ में लग रहा है, इसके साथ उसकी टॉटोलॉजी के साथ में, ठीक है ना। तो अगर उसको हम लिखना चाहेंगे तो टॉटोलॉजी के साथ में अगर इंटरसेक्शन साइन लगाएगा तो पी इंटरसेक्शन, ये इसका भी देखिए टी इंटरसेक्शन टी, तो टी बनने वाला है, और एफ इंटरसेक्शन टी तो फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ऐसे केस में ये जो बन के आया ये देखिए वापस पी ही बन के आ गया, ट्रू फॉल्स और इधर भी ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे आपको उठा के पी लिखना, ठीक है। इन लॉज को समझ लीजिए कि कैसे ये चारों यहाँ पे से ट्रुथ टेबल से बहुत ही इजीली बातों को समझा जा सकता है, ठीक है ना। अगर पी एंड यूनियन और पॉलिसी के साथ में लिख रहे हैं तो देखिए पॉलिसी में इसने इसकी टेबल बना दी, पहले उसके साथ में ले लिया, अगर यूनियन ले रहा है इसके साथ में तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द पी, दिस इज टी ट्रू फॉल्स, और यूनियन है तो यूनियन में तो एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो सही लिख देते हैं हम लोग, तो ट्रू लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फॉल्स फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो इसका मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो ये चीज जो आई है अब इसको आप इधर से कॉपी कर लो, देखो क्या चीज आ रही है, ये ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स, तो अल्टीमेटली इसने पी दे दिया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेबल से आप सारी चीजें समझ सकते हैं, इसी तरह से फोर्थ भी हो जाएगा गाइस, ठीक है, वो आप चेक करना, डेफिनेट पूरी बातें इसमें से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मीन्स हम निगेशन करते हैं, सो सेट में तो हमें पता है कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना।
या ए बार इस तरह से सेट को लिखते थे, और यहाँ पे भी निगेशन ही है। तो अगर पी को हम लेंगे तो आप ये बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो आप इसकी टेबल बना लीजिए, बेस्ट रहता है कि हमें क्या लिखना है क्या समझना है। कभी कोई रिजल्ट आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे समझेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट है गाइस। सेट और इसमें एक ही फर्क है, वहां सेट में क्या होता है नंबर होते हैं, और यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बारे में देखना होता है कि दो स्टेटमेंट में अगर यूनियन इंटरसेक्शन लगा रहा है तो अल्टीमेटली उसे हमें ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पी यूनियन कर रहा हूँ निगेशन ऑफ पी के साथ में, तो पी का बना लिया ट्रू फॉल्स, इसका फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब दोनों के साथ में निगेशन ऑफ पी के साथ में अगर यूनियन करेंगे तो देखिए यूनियन में क्या होगा, ट्रू फॉल्स में ट्रू हो जाता है आपको पता, और फॉल्स फॉल्स अगर ये यहाँ पे फॉल्स है और यूनियन ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं तो भी अल्टीमेटली ट्रू आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों केस में ट्रू आ गया, तो इसी वजह से इसकी जो टाउटोलॉजी है इट इज एन टाउटोलॉजी, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ टाउटोलॉजी, टी लिखेंगे क्योंकि दोनों केस में टी आया, ठीक है। यहां पे देखिए अगर एंड लगाओगे आप तो एंड लगाओगे इसके साथ में तो ट्रू फॉल्स में क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये दैट विल बिकम द फॉलेसी, तो ये फॉलेसी बनेगी, ठीक है। ये चीजें पता रहे, ये एक बार जो मैं आपको बता रहा हूं, और डेफिनेटली एक ही बार में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको एक ही बार देखना है, टेबल से देख देख के आप इन रिजल्ट को लिख सकते हैं कि क्या होगा। तो अगर टॉटोलॉजी है उसका निगेशन लिखेंगे तो फॉलेसी बनेगी, और फॉलेसी है उसका निगेशन लिखेंगे तो टॉटोलॉजी बनेगी, ठीक है। और निगेशन ऑफ पी जो है अल्टीमेटली स्टेटमेंट पी आ जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, बस एक ही बार आपको समझना है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसके बाद दोबारा इसको जो वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट कम्स द आइडियम पटेंट लॉ। सो दिस लॉ इज द पी यूनियन पी, तो पी बनेगा, इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं, पी इंटरसेक्शन पी 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 बनेगा, ठीक है। सो आइडियम पटेंट में खुद को खुद के साथ में यूनियन करते हैं या इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द दिस डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये बस यही एक समझने का है, इंपॉर्टेंट है कि पूरे जो रिजल्ट है, ये जितने रिजल्ट मैं बताते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, तो ये तो आप समझ सकते हो, है ना। थोड़ा बस डी मॉर्गन लॉ को हम देखेंगे, तो डी मॉर्गन लॉ भी तो 100% वैसा ही काम कर रहा, सेट में जैसा होता था, हम लिखते थे ए यूनियन बी है, और उसका अगर निगेशन लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी का निगेशन लिखते थे, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन साइन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता था और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, ठीक है। या डी मॉर्गन लॉ ये था, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखते थे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे सेट नोटेशन में, एंड हियर ऑल्सो इट इज 100% सेम। तो आप क्या करोगे, निगेशन ऑफ पी लिखोगे, निगेशन ऑफ पी, और ये जो यूनियन साइन है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू लिख दोगे। तो दिस इज वन लॉ। सेकेंड ये हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसको इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करना है और दोनों में निगेशन लगा देना, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ये आप याद रखेंगे, राइट। इसके बाद में इन्वॉल्यूशन लॉ, तो ये तो बहुत ही मतलब इसमें डबल निगेशन जो होता है उसको इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। कभी आपके वर्ड आ जाए और आप उसको ध्यान रखो कि इन्वॉल्यूशन का मतलब निगेशन ऑफ निगेशन है, तो दैट अल्टीमेटली मेक्स द अगेन द सेम स्टेटमेंट पी, ठीक है। और इसके बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग कर चुके थे लेकिन यहाँ लॉस समझ रहे हैं इस वजह से यहाँ पे भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स जो इम्प्लाइज दैट साइन होता है इसका, इस पे अगर निगेशन लगाते हैं पूरे पे जब निगेशन लगाते हैं इस तरह से निगेशन, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए कि ये निगेशन ऑफ क्यू पलट के आगे आ जाएगा और इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ पी होता है, बस ये इतनी सी बात है, इसको इसके इक्वलेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। ये होता ही है, दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू दिस वन, ठीक है। तो निगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे लगाएंगे निगेशन, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आप लगाओगे निगेशन साइन, दिस इज निगेशन, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, राइट। तो पी पी ट्रू ट्रू, अच्छा हाँ, तो यहां जरूरत नहीं इस गाइस, ये मैं गलत जा रहा हूं, है ना, या आप ऐसा नहीं लिखेंगे, पी इंप्लाइज टू क्यू
give the same value as a negation of q implies to negation of p, है ना, इस तरह से जाएगा। और ये हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूरी टेबल जो सामने बनी हुई है यही मैंने चेक किया अभी यहाँ पे, कि यहाँ पे निगेशन साइन नहीं लगेगा और ये जो लिखा हुआ है दैट ही हैज रिटन द राइट, दिस इज द पी इम्प्लाइज टू क्यू एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ पी, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। क्यों होगा कि p implies to q की टेबल देख लीजिए चारों स्टेटमेंट को, है ना, और उसके बाद negation of q to the negation of p implies that negation of p देख लेंगे, तो दोनों सेम आ रहे, फॉल्स आ रहा, ट्रू आ रहा, 100% सेम, सो यू कैन राइट इन अ इक्विवेलेंस, तो इसको आप इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये नाइन्थ रिजल्ट हुआ। इसके बाद में आता है गाइस टेंथ, द ट्रुथ टेबल ऑफ द बाइकंडीशनल स्टेटमेंट। बाइकंडीशनल स्टेटमेंट में ये मैं बता ही चुका हूँ, इसे बाइकंडीशनल जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तो वहां से ये बातें, ये वैली वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब इसको पूरी वैल्यू को ट्रुथ टेबल से प्रूव किया हुआ है। सो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को का मतलब होता है इट इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज टू क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज टू पी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज वेरी मच क्लियर, ये पूरी टेबल से ये बात को हम देख सकते हैं कि ये सेम वैल्यू देगा। सो पी इम्प्लाइज टू क्यू, इसके साथ आप इक्वेट करोगे इस वाली चीज को, यहाँ पे इक्वेट करके देखोगे इस वाले कॉलम को, इस कॉलम्स के साथ में इक्वेट करके देखोगे, दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, एंड ट्रू है तो ट्रू है, सो देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट, राइट, वी कैन राइट देम इक्विवेलेंट। तो इस तरह से ये आज जो है हमारा गाइस पार्ट 3 फिनिश हुआ। अब इसके बाद में ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड, इसके बाद में मैं लेने वाला हूँ जो क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप अभी, वो चीज प्रिपेयर नहीं हुई है मेरी और चैनल पे अभी प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो आप पार्ट वन में तीन तरह की चीजें पीडीएफ फॉर्म में मैं उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो पूरे चैनल पे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इसी तरह से पार्ट वन आप ओपन करते हो तो आपको थ्योरी मॉड्यूल मिलता है, उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल्स मिलते हैं, उसके बाद में तीसरे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उस चैप्टर की तीन चीजें, तीन पीडीएफ वो जो है डायरेक्टली आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके डायरेक्टली मैंने गूगल ड्राइव पे प्लेस किया हुआ है, सो वहाँ से आपको डायरेक्टली आपके सिस्टम में वो डाउनलोड हो जाएगा एंड दैट यू कैन यूज फ्री, ठीक है। ओके गाइस, के बाद में हम नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं।